बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड डाइट चैप्टर नंबर 7 है, 9th क्लास बायोलॉजी है, फेडरल और ऑल जितने भी पंजाब बोर्ड्स हैं उनके लिए। ठीक है, क्लोरोफिल बच्चों क्या चीज़ है? एक पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और ये हमने पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनके अंदर जब हमने लाइट रिएक्शन पढ़ा तो मैं थोड़ा सा आपको ना वो इसको, क्योंकि जब तक बेस नहीं बच्चे की पता हो ना, वैसे तो आप पिछली वीडियोज अगर देखेंगे, पिछला लेक्चर सुनेंगे, ये क्लोरोफिल है। ठीक है, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल लाइट रिएक्शन के अंदर। अच्छा, अब आपने ये देखना है कि ये जो लाइट रिएक्शन के अंदर ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब हमने इनका रोल पढ़ना है। ठीक है, क्लोरोफिल की कितनी टाइप्स हो सकती हैं और कौन कौन से पिगमेंट हैं। पिगमेंट क्या चीज है जो कि बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? तो सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय अ क्लोरोफिल, इट इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए बेटा, क्लोरोफिल का काम क्या है? वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और विच ड्राइव द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। ठीक है, यानी जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, या फोटोसिंथेसिस जो पूरे का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, उसके अंदर हमने बात की जो केमिकल एनर्जी विच ड्राइव द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, यानी केमिकल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो फोटोसिंथेसिस को क्या करेगी, प्रोसेस करेगी या स्टार्ट करेगी। ठीक है, लाइट एनर्जी है उसमें। आगे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, मैं वहां पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी फिलहाल यहाँ पे हमने क्लोरोफिल का रोल पढ़ना है। ओनली 1% ऑफ लाइट, ठीक है, फॉलिंग ऑन ए लीफ सरफेस इज एब्जॉर्ब। यानी अगर आप देखते हैं ना, पत्ते के ऊपर अगर 100 फोटॉन्स पड़ रहे हैं, यानी पत्ते के ऊपर अगर 100 लाइट की रेस पड़ रही है, तो 1% का मतलब है उनमें से एक एब्जॉर्ब होगी और बाकी सारी की सारी क्या होंगी बच्चे, या तो ट्रांसमिट हो जाएंगी या फिर क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मैं आपको समझाने के लिए ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे इसको, कि ये हमारे पे बच्चों क्या चीज है कि ये एक पत्ता है। ठीक है, पत्ते के ऊपर जो लाइट पड़ती है ना, अगर 100 रेज पड़ रही है लाइट की, 100 फोटॉन पड़ रही है, तो 1% का मतलब है उसमें एक जो है ना क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, बाकी या तो ट्रांसमिट हो जाएंगी या वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये ट्रांसमिट का मतलब आपने समझते होंगे। ठीक है, या एक होती है रिफ्लेक्शन और एक होती है रिफ्रेक्शन। ठीक है, वो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि बिल्कुल वापस चले जाना, और रिफ्रैक्ट का मतलब है कि थोड़ा सा वो अपने एंगल को चेंज कर, यानी यूं लाइट आई थोड़ा सा एंगल चेंज करके बेंड होगी। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाती है और ट्रांसमिटेड। ठीक है, और 1% क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। अच्छा, द लाइट रेज ऑफ ए वेव लेंथ। अच्छा देखिये, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो लाइट है ना उसकी डिफरेंट वेव लेंथ होती है, उसके लिए एक फार्मूला याद करते हैं, VIBGYOR, विबगर। ठीक है, लाइट के अंदर जो कलर्स होते हैं ना, VIBGYOR, ये आपको ना याद करना है, विबगर। 60 डिफरेंट, देखें कोसेकज़ा आपने सुना होगा, या रेनबो जिसे कहते हैं, ठीक है, या जिसे धनक भी कहते हैं, तीन चीजें इसके नाम है, कोसेकज़ा, धनक, रेनबो। जब सूरज यानी बारिश पड़ रही थी ना, ठीक है, और सनलाइट जो है बारिश के कतरों में से जब पास होती है, ठीक है, तो वो एक दनक सी बनती है आसमान के ऊपर। ठीक है, सूरज के बिल्कुल अपोजिट साइड पे, यानी यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सूरज है, ठीक है, और ये बारिश हो रही है, और दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे दनक बनेगी। ठीक है, 7 कलर होंगे उसके अंदर, बाद दफा 3 कलर आपको नजर आएंगे। ठीक है, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो। ठीक है, ये विबगर है, VI था, मैंने इसको वाई बना दिया। ठीक है, ये सॉरी, इसको हम जो है ना, इसको हम VI लिखेंगे। क्या लिखेंगे? VI और बी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कितने कलर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कलर है डिफरेंट। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि द लाइट रेज ऑफ ए डिफरेंट वेवलेंथ आर नॉट ओनली डिफरेंटली एब्जॉर्ब बाय अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बट ऑल्सो डिफरेंटली इफेक्ट इन फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होता है ना बेटा, वो हम बात कर रहे हैं ब्लू, और आप पढ़ेंगे कौन सी लाइट में होता है, रेड लाइट के अंदर। और यही इफेक्ट, यानी ये पिगमेंट फोटोसिंथेटिक, यहाँ पे दोबारा देख लें, द लाइट रेज ऑफ ए डिफरेंट वेवलेंथ आर नॉट ओनली डिफरेंटली एब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी क्लोरोफिल ये सबसे ज्यादा कौन सी लाइट रेज को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू और रेड को। और अगर ब्लू और रेड लाइट ज्यादा है तो उस पर फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा। द ब्लू एंड रेड लाइट कैरीज मोर फोटोसिंथेसिस, यानी ब्लू और रेड कैरीज क्या करती है, मोर ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती है। इसमें जो लोबे लबाब है, जो हमारे पास जो सारी की सारी समरी है कि यानी जो क्लोरोफिल है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और सबसे ज्यादा कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू और रेड को। ठीक है, इससे आगे आप जाएंगे अभी और सारा वो समझ लेते हैं हम, ये नीचे हम केल्विन साइकिल पढ़ चुके थे। अच्छा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है बच्चे, देखें हमने ऊपर वापस में लेके जाऊंगा और आपको मैं ये सारा का सारा बताने की कोशिश करूंगा। ये आप जब ना, ये
ये मैंने आपको उस दिन बताया था जो पिछला लेक्चर के अंदर के फोटो सिस्टम ये टू है, ये फोटो सिस्टम वन है, कौन सा है ये अभी मैं यहाँ पे आपको चले मैं बता भी देता हूँ। ये पहले वाला जो है ना फोटो सिस्टम टू है और ये वाला कौन सा फोटो सिस्टम वन है। फोटो सिस्टम क्या होता है, इट इज अ क्लस्टर ऑफ पिगमेंट, जहाँ पे बहुत ज्यादा पिगमेंट इकट्ठे होते हैं ना, ठीक है। यानी क्लोरोफिल अगर एक है वो एक मॉलिक्यूल है, एक पिगमेंट है, अगर उस तरह के 10 मिल जाए, 20 मिल जाए, 50 मिल जाए, 100 मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, फोटो सिस्टम उसे कहेंगे। तो क्लस्टर ऑफ पिगमेंट इज नोन एज फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम बच्चों क्या होता है, क्लस्टर ऑफ पिगमेंट, ठीक है। तो अभी आप वापस आएंगे और इधर हम फोटो सिस्टम को समझेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर इज नोन एज फोटो सिस्टम इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए जो है। अब देखें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था जो लाइट रिएक्शन होता है वो थैलाकोइड में होता है, और जो डार्क रिएक्शन है वो कहां पे होता है, स्ट्रोमा के अंदर होता है, और ये सारा का सारा कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी क्लोरोफिल की दो टाइप्स है यहाँ पे बता रहा है, एक क्लोरोफिल ए है और एक क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल ए मेन यानी वो अहम पिगमेंट है, और क्लोरोफिल जो बी है या जो क्रोटिनाइड है वो अजाफी पिगमेंट्स हैं। दोबारा से इसको समझना है, बहुत अच्छी तरह इसको गौर से सुनेंगे। क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी ये एक मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये एक अहम पिगमेंट है, और जो अदर पिगमेंट है वो कौन से होते हैं, अजाफी होते हैं, ठीक है, जिनकी एग्जांपल क्या है, क्लोरोफिल बी या क्रोटिनाइड्स। अब देखें क्लोरोफिल अब्सॉर्ब क्या कर रहा है, मेनली यानी क्लोरोफिल जो ए है वो ब्लू और रेड लाइट को मेनली अब्सॉर्ब करता है, और जो ऐसी वेवलेंथ, सम वेवलेंथ नॉट अब्सॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए उनको क्लोरोफिल बी अब्सॉर्ब करेगा। यानी जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू और अगर रेड को अब्सॉर्ब कर रहा है तो बाकी जो वेवलेंथ है उनको कौन अब्सॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल बी या क्रोटिनाइड्स। तो सिंपल सा यहाँ पे हमने क्लोरोफिल के बारे में पढ़ा, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ये अब्सॉर्ब करता है लाइट को, लाइट को अब्सॉर्ब करने के बाद ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को ड्राइव करता है। क्लोरोफिल का जो पिगमेंट है जब वो इकट्ठा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फोटो सिस्टम। क्लोरोफिल की टाइप्स हमने पढ़ी, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनाइड्स। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, जबकि क्लोरोफिल बी जो और कैरोटीनाइड्स हैं ये अजाफी पिगमेंट्स हैं। जो काम क्लोरोफिल ए करता है वो बी और कैरोटीनाइड्स नहीं करते, यानी जो लाइट क्लोरोफिल ए अब्सॉर्ब कर रहा है यहाँ पे बुक के मुताबिक वो बी और दूसरे अब्सॉर्ब नहीं करते। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक था, ठीक है, जिसका नाम क्या था बच्चों, रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट, ठीक है। तो इससे आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।